कंपाउंड चैप्टर में आप केमिकल प्रॉपर्टीज स्टडी करते हैं, लेट अस स्टडी केमिकल प्रॉपर्टीज। उसमें सबसे पहले कंबशन, राइट। मैं कुछ एग्जांपल लिखता हूं, जैसे कार्बन लिया एंड आई गॉट दिस प्लस हीट प्लस लाइट। वन मोर एग्जांपल लेट मी टेक, मीथेन, इसका कंबशन कराया। कंबशन को एक तरह से आप ऑक्सीडेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीडेशन ही है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मीथेन का। सो दिस इज व्हाट वी गेट हियर, दैट इज CO2 प्लस H2O। इसको आप बैलेंस भी कर सकते हैं, दिस इज बैलेंस इक्वेशन ऑल्सो, प्लस हीट एंड लाइट। एंड मैं ये तो मीथेन का मैंने किया, दिस इज मीथेन। इसी तरह से इथेनॉल का करते हैं, इसका भी हम कंबशन करा सकते हैं एंड वी गेट CO2 प्लस H2 एंड अगेन प्लस हीट एंड लाइट, प्लस हीट एंड हीट प्लस लाइट। ये वी कैन बैलेंस दिस ऑल्सो। I think this is balanced, right? So, आप देखिए कार्बन है तो कार्बन डाइऑक्साइड तो बनेगा, और कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स कंबशन हो रहा है, कंबशन होता है, इसके लिए चाहिए होता है प्रेजेंस ऑफ एयर या फिर ऑक्सीजन। तो एक प्रकार से ऑक्सीडेशन होता है, यू कैन से इट एज ऑक्सीडेशन ऑल्सो। सी जितने भी एलोट्रॉप्स होते हैं, आप ग्रेफाइट ले लीजिए, डायमंड ले लीजिए, यू कैन टेक डायमंड, यू कैन टेक ग्रेफाइट और फुलरेन, जितने भी क्या होते हैं एलोट्रॉप्स, उन सबका जो रिएक्शन होता है वो इस तरह से होता है। This is how it happens. All the allotropes और बाकी भी जितने कार्बन कंपाउंड होते हैं उसमें CO2 तो मिलता ही है, एंड अगर जो हाइड्रोजन होता है डैट कन्वर्ट्स इनटू H2O एंड एडिशनल हीट और लाइट तो हमें मिलती है, इसीलिए इनमें से कुछ को हम फ्यूल्स की तरह यूज करते हैं, जैसे वुड यूज करते हैं, पेट्रोल यूज करते हैं, केरोसिन यूज करते हैं, राइट, कोल भी यूज करते हैं, राइट, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स सारे फ्यूल की तरह यूज करते हैं हम। द रीजन इज द सेम, वी गेट हीट एंड लाइट बोथ, एनर्जी मिलती है कुल मिला के। ये चीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन मैं इस बात को फिर से बता देता हूं कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हम कहते हैं जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ही होते हैं, देयर इज नो डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, देर इज नो डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, उसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसका एग्जाम्पल जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मीथेन है, इसका हम कंबशन कर रहे हैं, या मीथेन के अलावा यू कैन टेक इथेन, इथेन मैं फॉर्मूला भी साथ में लिख रहा हूं, और यू कैन से नेचुरल गैस, नेचुरल गैस में मैक्सिमम जो होता है वो मीथेन होता है नेचुरल गैस में। देन एलपीजी भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आते हैं। एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और एलपीजी में ज्यादातर ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन या प्रोपेन होता है, इसमें ज्यादातर आइदर यू विल गेट प्रोपेन, इट्स अ मिक्सचर ऑफ ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन एंड प्रोपेन, और बाकी भी जैसे अल्कोहल हो गया या कैम्फर हो गया, ये जितने भी हैं इनका एक्सेस एयर या ऑक्सीजन में वी ऑलवेज गेट
वी ऑलवेज गेट ब्लू फ्लेम. जब भी कंप्लीट कंबशन होगा तो हमें ब्लू फ्लेम मिलता है. एक्सेस ऑफ एयर में जब भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, इथेन, नेचुरल गैस, प्रोपेन, ब्यूटेन, मीथेन, एलपीजी, जितने भी सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स हैं, इसमें मैंने एग्जांपल लिया कैम्फर, इवन अल्कोहल, इन सबका जब भी आप कंप्लीट कंबशन कराते हैं इन एक्सेस ऑफ एयर और ऑक्सीजन, यू गेट ब्लू फ्लेम. एंड एक चीज और, जब हमने सैचुरेटेड की बात की तो मैं अनसैचुरेटेड की और बात कर लेता हूं. लेट मी टेक सम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. इन केस ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, फॉर एग्जाम्पल इथीन, इसको हम इथीन बोलते हैं, इसको इथाइन या एसिटिलीन भी बोलते हैं. वी कॉल इट एज इथाइन, ETHYNE, और एसिटिलीन ऑल्सो वी से, इसका कॉमन नेम एसिटिलीन भी है. इसको वेल्डिंग में काम लेते हैं, गैस वेल्डिंग में, आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं. या बेंजीन, बेंजीन जिसको हम ऐसे भी लिखते हैं, और समथिंग लाइक दिस C6H6, और नेफ्थलिन, और जितने भी हैं यहां पर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन कार्बन में, उन सबको हम अनसैचुरेटेड कहते हैं. भी इनका कंबशन हम करते हैं तो हमारे को जो मिलता है वो मिलता है येलो फ्लेम. येलो फ्लेम और यू नो विथ ब्लैक स्मोक, विथ ब्लैक स्मोक. एक्चुअली में आप देखिए, जैसे इसका कंबशन होता है, अगर इसके ऊपर आप मेटल प्लेट रख देंगे, कहीं कंबशन हो रहा है तो मेटल प्लेट काली हो जाती है. वो क्या होता है, कार्बन डिपॉजिट होता है. वो कार्बन जो है वो डिपॉजिट हो जाता है प्लेट पर, जिसकी वजह से वो काला हो जाता है. आप कई बार देखते होंगे ऐसा. अच्छा, रीजन ये है कि अनसैचुरेशन में जो कार्बन कंटेंट होता है वो ज्यादा होता है. अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कार्बन कंटेंट ज्यादा होता है, इसलिए हमें सूटी फ्लेम मिलता है, मींस येलो फ्लेम मिलता है. इनकम्प्लीट, ये रीजन जो होता है वो इनकम्प्लीट कंबशन होता है, इनकम्प्लीट कंबशन. इनकम्प्लीट कंबशन होता है. यहां कार्बन का रेशियो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन. इवन हम घर में देखते हैं कि जो चूल्हा होता है, स्टोव का या गैस का जो चूल्हा होता है, गैस स्टोव और केरोसिन वाला जो होता है, अगर उसमें उसमें नीचे होल्स होते हैं, इनलेट्स होते हैं जिसमें से एयर आती है, और सफिशियंट अमाउंट अच्छे से ऑक्सीजन और एयर होती है, तो इट प्रोड्यूसेस ब्लू फ्लेम. अगर वहां पर एक्सेस ऑफ एयर इज देयर, एक्सेस ऑफ एयर तो या ऑक्सीजन होती है, तो इट प्रोड्यूसेस ब्लू फ्लेम इन गैस स्टोव और केरोसिन स्टोव, राइट. और अगर बीच में वहां वो होल्स जो होते हैं, अगर वो जाम हो जाए, मींस अगर वो ब्लॉक हो जाए, अगर वो जो नीचे एयर होल्स बने होते हैं अगर वो ब्लॉक हो जाए, तो वहां पर भी इनकम्प्लीट कंबशन होता है. ये मैंने लिखा हुआ है, वहां पे भी इनकम्प्लीट कंबशन होता है ब्लॉक होने की कंडीशन में. एंड वहां पर भी आपको फिर यू विल फाइंड इन अनसफिशियंट सप्लाई ऑफ एयर
और उससे होगा इनकम्प्लीट कम्बशन। ब्लॉक होने से क्या होगा, फिर वहां पर जो फ्यूल होगा, फ्यूल विल गेट वेस्टेड, प्रॉपर यूज नहीं हो पाएगा। ब्लॉक हो जाने से इनकम्प्लीट कम्बशन होगा और फ्यूल वेस्ट हो जाता है। सो जब भी कंप्लीट सप्लाई ऑफ एयर होता है, एक्सेस सप्लाई ऑफ एयर होता है और होल्स खुले होते हैं तो ब्लू फ्लेम मिलता है, और जब भी होल्स ब्लॉक हो जाते हैं और इनसफिशियंट, उसकी वजह से इनसफिशियंट सप्लाई ऑफ एयर होता है तो फ्यूल वेस्ट हो जाता है और इनकम्प्लीट कम्बशन होता है, और आपको ब्लू की जगह आपको जो मिलता है वो येल्लो फ्लेम मिलता है, यू गेट येल्लो फ्लेम और सूटी फ्लेम, राइट। एक और बात जो आपको जानकारी होनी चाहिए कि हम फ्यूल्स तो की तरह यूज करते हैं कोल और पेट्रोलियम में, और कोल एंड पेट्रोलियम को उसमें इसको जब हम फ्यूल की तरह यूज करते हैं तो इसमें कुछ अमाउंट नाइट्रोजन, वी हैव गॉट सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर, और जब हम कंबशन करते हैं तो ये नाइट्रोजन और सल्फर जो है वो NO2, NO और ये सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में हो जाता है, और ये जो हैं ये बहुत बहुत ज्यादा पॉल्यूशन फैलाते हैं। दे आर पॉल्यूटेंट्स, एयर पॉल्यूटेंट्स, दे आर एयर पॉल्यूटेंट्स, और इनकी वजह से काफी ज्यादा एनवायरमेंट में पॉल्यूशन होता है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। राइट, सो वी हैव अपलोडेड फ्यू असाइनमेंट्स ऑल्सो ऑन दिस, RNClassesOnline.com, यू मे रेफर देयर ऑल्सो, राइट।